उन लोगों को गर्मी सर्दी इसका कोई प्रभाव नहीं था। क्यों? क्योंकि वो आत्मीयता में आत्मा में रमण। उस समय हम साधु लोग भी असला पहनते थे, एक असला इधर और एक असला उधर। जब प्रयाग में आए हम तो जितने कल्पवासी थे प्रयाग में नहाने वाले, मैंने कई लोगों को देखा सिर्फ एक धोती, वही धोती पहने हैं और उसी को ऊपर से ऐसे ओढ़े हुए। और सर्दी में सवेरे सवेरे वही कंबल, और जैसे धूप निकले कंबल उठा के रखे। पुराने जन हाथ उठा हुआ तो देखे हैं ऐसे लोगों को, कितने लोग देखे हैं ऐसे मूर्तियों को, अपने पूर्वजों को देखे इसमें कितने लोग देखे हाथ उठा हुआ तो। हाँ, कितनी तपस्या थी उनकी। आज के समय में थोड़ा गर्मी पड़ गया तो अपनी हो जाती है, उन लोगों को गर्मी सर्दी इसका कोई प्रभाव नहीं था। क्यों? क्योंकि वो आत्मीयता में आत्मा में रमण। उनका अंतःकरण बड़ा ही पवित्र होता था, शुद्ध होता था, निर्मल होता था। अनेक प्रकार के द्वंद्वों में नहीं फंसते थे, सीधे उनका काम था मेहनत करना, घर गृहस्थी देखना और सुबह शाम भगवान के भजन जरूर करना। सुबह उठ करके नहा धोवा के जितने लोग थे हमारे पूर्वज, बैठ करके राम 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 राम, रात को सोने से पहले राम 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 भगवान को भजन करना जरूरी है। इन चीजों से आज का मनुष्य वंचित होता जा रहा है। धीरे धीरे भगवत मार्ग से, भगवान के नाम से अपने को भगवत भक्त कहलाने से भय लगता है, डर लगता है। यही कारण है कि आज मनुष्यों का, हम लोगों का आत्मशक्ति कमजोर हो गया है। ऐसी अवस्था में आत्मशक्ति को बढ़ाने के लिए नाम का जप अति आवश्यक है। आप ग्रामीण हैं, वेद शास्त्र पुराण ग्रंथ ये सब नहीं जानते आप, कर्मकांड, और इसमें आपको जाना भी नहीं चाहिए, इसमें उलझना भी नहीं चाहिए। सीधे सीधे रास्ता है राम नाम जप का, क्योंकि राम नाम एक ऐसी साधना है जिससे मनुष्य बिना किसी और योग के किए भगवत प्राप्ति कर सकता है। गोस्वामी जी ने एक बात लिखी, राम नाम एक अंक है, बाकी सब है शून्य। अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे दस गुण। राम नाम एक अंक है और बाकी जितना चीज है वो शून्य है। और जब शून्य अर्थात माया समझ लो, मटेरियल समझ लो, जगत समझ लो, संसार समझ लो, जो स्थिर नहीं है, जो नाशवान है, वो सब शून्य है। राम नाम एक अंक है, बाकी सब है शून्य।
राम गए कछु हाथ नहीं, राम अगर चले गए तो कुछ हाथ में नहीं लगेगा, और राम रहेंगे और वो शून्य तो है ही है, राम नाम एक एक है और शून्य हो जाएगा तो गोस्वामी जी कहते हैं दस गुण है, दस गुना बढ़ जाता है। चाहे आपका कोई भी कर्म होगा, भक्ति हो, ज्ञान हो, जप हो, तप हो, साधना हो, कर्म हो, दान हो, पुण्य हो, ये सब दस गुना बन के आपको मिलेगा। सिर्फ एक आधार के कारण, वो है आधार राम नाम। एकमात्र राम नाम से सब चीजें दस गुना बन के मिलता है। तो राम नाम जो आधार है उसको आप लोग ना भूलें। अच्छाई बुराई, पुण्य पाप, सत्कर्म निंदा स्तुति, ईर्ष्या राग द्वेष, ये मनुष्य के ही अंदर ही नहीं, सभी जीवों के अंदर स्वाभाविक है। ना इससे आप बच सकते हैं, ना इससे आप छूट सकते हैं।